वेलकम फ्रेंड्स। तो इस वाले सेशन में हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी तक हमने पूरा समझ लिया है इनडायरेक्ट स्पीच को। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे कुछ 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं अलग अलग पैटर्न के, और इन अलग अलग पैटर्न को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं सॉल्व करूंगी, आप समझिए और फिर आप अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस लिखा है, अंजलि सेड टू परिधि। आप एक एक चीज को ध्यान रखिएगा, और जब पहला वाला जो नाम आ रहा होता है ना, वो हमेशा स्पीकर होता है, और जो टू के बाद वाला दूसरा वाला नाम होता है वो हमेशा लिसनर होता है। तो अंजलि सेड टू परिधि, आई एम गोइंग टू गिव यू अ गिफ्ट टुमारो। अब देखिए वाक्य शुरू हो रहा है आई से, मतलब सब्जेक्ट से। तो जब सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होता है ना, वो अपने आप असर्टिव सेंटेंस होता है। तो अब असर्टिव सेंटेंस के पैटर्न को ध्यान में रखेंगे, और दूसरी बात ध्यान में लेंगे, मैंने पहले भी बोला है, जब आप इनडायरेक्ट स्पीच सॉल्व करने बैठो तो सबसे पहले आपका फोकस करो रिपोर्टेड वर्ब पे। तो अब हम पहले रिपोर्टेड वर्ब पे फोकस करते हैं। रिपोर्टेड वर्ब इज सेट टू, मतलब रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में है। अगर रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में है तो हमारा कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर वन, अगर रिपोर्टेड वर्ब भूतकाल में होती है तो हमको इस वाक्य के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अंदर, हमको तीन चेंज करने होते हैं। हमको सर्वनाम भी बदलना पड़ेगा, हमको टेंस भी बदलना पड़ेगा, और हमको एक्स्ट्रा वर्ड भी बदलने पड़ेंगे। ये माइंड में क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं सबमिशन करने के लिए। तो यहाँ पे अंजलि जो बोलने वाली है वो भी लड़की है, आप ध्यान रखिएगा। सर्वनाम वाले पैटर्न में मैंने आपको बोला है कि आपको लड़का और लड़की डिफाइन करना पड़ेगा, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। तो यहाँ पे हमने देखा अंजलि इज अ गर्ल, ठीक है, और परिधि इज ऑल्सो अ गर्ल, मतलब बोलने वाला भी लड़की है और सुनने वाला भी लड़की है। मतलब यहाँ पे अब देखिए बोल रहे आई एम गोइंग, तो ये आई कौन बोल रहा है? आई अंजलि बोल रही है, मतलब स्पीकर का आई। और ये गिफ्ट किसको देने वाली है? क्योंकि वो परिधि को बोल रही है, तो परिधि को गिफ्ट मिलने वाला है। तो ये जो यू है ये परिधि के लिए है। सो आपने सर्वनाम भी देख लिए। अब यहां पे आपको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में देख लीजिए, आपको मिल रहा है एम और गोइंग। इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी का मतलब होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसको हम बदलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। मतलब इज एम आर की जगह पे हमको वॉज वेयर करना होता है। और एक्स्ट्रा वर्ड हमको मिल रहा है टुमारो, तो हमको पता है टुमारो की जगह पे हम या तो द नेक्स्ट डे डालेंगे या तो द फॉलोइंग डे डालेंगे। अब देखिए मैं इसको सॉल्व कर रही हूं। तो मैंने पहले लिखा अंजलि, क्योंकि ये विधान वाक्य है इसलिए मैंने सेट टू की जगह पे लिखा टोल्ड, परिधि। अब मेरा विधान वाक्य है इसलिए मैंने संयोजक लगाया डेट। अंजलि इज अ गर्ल इसलिए मैंने आई का किया शी। एम इज आर की जगह पे शी के साथ वॉज, कंटिन्यूअस टेंस है, आईएनजी ऐसा कैसे कहेगा। सो एम गोइंग का हो गया वॉज गोइंग, टू गिव ऐसा कैसा रहेगा, लेकिन ये जो यू है ये गिव के बाद में आया है, मतलब ये ऑब्जेक्टिव सर्वनाम है, कर्म विभक्ति वाला सर्वनाम है। तो आप यू में कर्म विभक्ति में जाइए, तो जब आप यू में कर्म विभक्ति में जाएंगे तो गर्ल के लिए वहां पे हर आपको मिलेगा। तो मैं अब यहां पे लिखूंगी हर अ गिफ्ट, और यहां पे टुमारो की जगह पे मैं लिखूंगी द नेक्स्ट डे। तो आप देखिए मेरा पूरा सेंटेंस क्या बन गया है, अंजलि टोल्ड परिधि that she was going to give her a gift the next day, okay? अब इसके नीचे आते हैं, एक और सेंटेंस है मेरे पास। अंजलि said to Gehna, what are you doing now? ये एक क्वेश्चन है जहां पे प्रश्न पूछ रहे हैं तुम क्या कर रही हो। अगेन बोलने वाली भी लड़की है, सुनने वाली भी लड़की है, लेकिन जो क्वेश्चन है अंदर का सेंटेंस है वो क्वेश्चन है। तो अब आप सेट टू की जगह पे क्या करेंगे, या तो आप इंक्वायर करेंगे या आस्क करेंगे। तो आप यहां पे सेट टू की जगह पे रख देते हैं आस्क, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला चेंज। अब हमको फिर से जाना है अंदर सेंटेंस में, व्हाट आर यू डूइंग नाउ, आपका क्वेश्चन पूछा व्हाट से,
तो अभी हमने संयोजक वाले वीडियो में सीखा है कि जब व्हाट से या डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन पूछते हैं तो डब्ल्यू एच वर्ड जो होता है वही उसका संयोजक बनता है. सो व्हाट से क्वेश्चन पूछा तो व्हाट खुद ही संयोजक बन गया. तो आप यहाँ पे व्हाट को संयोजक के रूप में रख लेते हैं. ठीक है, अब मैंने आपको एक छठे नंबर का चेंज करना बताया था कि अगर वाक्य प्रश्न है तो आपको विधान में बनाना पड़ेगा. जब प्रश्न है तो आर यू है, लेकिन जब आप इसको विधान में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यू आर. अब आप यू आर नहीं रख सकते. गहना इज अ गर्ल, सो आप सुनने वाले यू को गर्ल के हिसाब से चेंज कीजिए. आप यू सब्जेक्ट वाले कर्ता विभक्ति में जाइए तो आपको पता चलेगा कि लड़की के लिए फेमिनाइन में यू की जगह पे हमको रखना चाहिए शी, तो हम यहाँ पे लिखते हैं शी. अगेन एम इज आर, उसको हमको टू बी वाले फॉर्म को पास्ट टेंस में चेंज करना होता है तो इज एन आर की जगह पे वॉज आएगा शी के साथ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शी वॉज. डूइंग का डूइंग रहेगा, मतलब चालू वर्तमान काल को हम चालू भूतकाल में चेंज कर रहे हैं. और अब हमारे पास एक्स्ट्रा वर्ड होता है नाउ, तो नाउ का एक्स्ट्रा वर्ड है पी एच ई एन देन. सो आप देखिए आपका सेंटेंस व्हाट आर यू डूइंग नाउ का बन गया व्हाट शी वाज डूइंग देन. ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं. थर्ड में एक सेंटेंस, अंदर आप पहले सेंटेंस चेक कीजिए. लेट्स गो टू वॉच अ मूवी, लेट्स गो टू वॉच अ मूवी एक सजेशन है. अब सजेशन करने वाला राजेश सेट टू अंजलि, मतलब सजेशन करने वाला लड़का है और सजेशन जिसको किया जा रहा है वो लड़की है. मतलब एक यहाँ पे मैस्कुलाइन जेंडर है और एक फेमिनाइन जेंडर है. बोलने वाला मैस्कुलाइन है और सुनने वाला फेमिनाइन है. लेकिन अच्छी बात यह है कि लेट्स वाले सेंटेंस में अंदर कोई सर्वनाम नहीं है. अब हम बात कर लेते हैं जब लेट्स वाला सेंटेंस होता है तो आपको सेट टू की जगह पे क्या रखना होता है. आपको सेट टू की जगह पे रखना होता है सजेस्टेड टू, तो यहाँ पे आपने लिखा सजेस्टेड टू, मतलब राजेश सजेस्टेड टू अंजलि. और लेट्स वाले सेंटेंस में संयोजक जो होता है वो होता है दैट, तो यहाँ पे आप रखते हैं दैट. अब जो लेट्स होता है ना उसको आपको पूरा चेंज करना होता है, वो भी आप ध्यान दीजिए. लेट्स बराबर दे शुड या याद रख लीजिए, मतलब आपको लेट्स को हटा देना होता है और आपको दे शुड लिखना होता है. ये लेट्स वाले सेंटेंस की पैटर्न है, तो आप यहाँ पे लेट्स को हटा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे दे शुड. अब हमको पता है मॉडल ऑक्सिलरी के साथ तो कभी भी क्रिया चेंज नहीं होती है, सो मॉडल ऑक्सिलरी के साथ गो ये अपने फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा. मतलब जब भी आप शुड लगाएं तो आप गो को या जो भी क्रिया आपको दी हो उसका टेंस मत चेंज कीजिए, वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगी, फर्स्ट फॉर्म में ही रखिए. सो दे शुड गो टू वॉच अ मूवी. सो राजेश सजेस्टेड टू अंजलि दैट दे शुड गो टू वॉच अ मूवी. ध्यान रखिएगा लेट्स को हटा के क्या लिखना है, दे शुड लिखना है. अब नेक्स्ट आया अंजलि सेट टू राजेश व्हाट अ वंडरफुल आइडिया. और यहाँ पे आप देखिए एक्सक्लेमेटरी, आपको एक साइन मिल रहा है. दूसरा ये जो व्हाट है ये क्वेश्चन वाला नहीं है, देखिए व्हाट के साथ यहाँ पे आर्टिकल लगा हुआ है. व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, आप मेरी टेंस वाली और सेंटेंस वाली पैटर्न वाली वीडियोस देखिएगा तो ये पैटर्न्स आपको क्लियर हो जाएगी. व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है, मतलब खुश हो गए हैं तो एक्सक्लेम करेंगे. तो यहां पे सेट टू की जगह पे क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम्ड टू. इसलिए यहां पे हम लिखते हैं अंजलि एक्सक्लेम्ड टू राजेश. अब उसने यहां पे आपको एक चीज और ऐड करनी रहेगी, जब भी आप अंदर का कोई सेंटेंस आप एक्सक्लेमेटरी आप देखेंगे तो उसमें एक इमोशन होगा, वो हिडन इमोशन आपको कैच करना रहेगा. ठीक है, मतलब अंदर खुशी है या अंदर दुख है या अंदर गुस्सा है या अंदर डर है या अंदर सरप्राइज आश्चर्य है, आपको उसको कैच करना पड़ेगा. अब देखिए आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, मतलब तारीफ कर दी कि क्या आइडिया दिया है, चलो देखने चलते हैं मूवी. सो ये जो एक आइडिया है ये आइडिया मतलब आप तारीफ कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इमोशन कैच करना पड़ेगा तारीफ का, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा
अंजलि एक्सक्लेम्ड टू राजेश विद प्रेज. ये जो प्रेज होता है ना, इसका मतलब होता है तारीफ. मतलब तारीफ के साथ आपने अपने इमोशंस को व्यक्त किया, फिर आप संयोजक लगाते हैं दैट. अब जो उद्गार है ना, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, व्हाट अ वंडरफुल आइडिया को आपको असर्टिव सेंटेंस में बदलना पड़ेगा. ये भी आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगा, हाउ टू चेंज एक्सक्लेमेटरी इनटू असर्टिव, तो वो भी एक बार देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा. व्हाट अ वंडरफुल आइडिया, इसको हम चेंज करते हैं इट वॉज रियली अ वंडरफुल आइडिया. सो अंजलि एस्केप्ड टू राजेश विद प्रेज दैट इट वॉज रियली अ वंडरफुल आइडिया. यहां पे आप वेरी भी लगा सकते हो, इंडीड भी लगा सकते हो, और इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट सेंटेंस आपको मिल रहा है, परिधि सेड टू शिवानी प्लीज हेल्प मी. यहाँ पे आपको ध्यान देना है प्लीज पे, ये एक तरह की रिक्वेस्ट हो गई है, इसलिए आप सेड टू की जगह पे करते हैं रिक्वेस्टेड टू. सॉरी टू नहीं लगाना है, रिक्वेस्टेड करते हैं. सो यहाँ पे पहले हमने सेड टू की जगह पे कर दिया है रिक्वेस्टेड. सो परिधि रिक्वेस्टेड शिवानी. जब आपने रिक्वेस्ट वर्ड डरा दिया है तो अब आपको प्लीज वाले वाक्य में से प्लीज निकाल लेना है. ध्यान रखिएगा, प्लीज वाले सेंटेंस में से आपको प्लीज निकाल लेना है. और अब आपको संयोजक लगाना है टू. हमने बात करी थी ना कि विनती होती है या रिक्वेस्ट होती है या कोई ऑर्डर होता है तो आप संयोजक कौन सा लगाते हैं, टू. तो हमने लगाया टू. हेल्प तो हेल्प रहेगा क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. अब बात करो इस मी की. ये मी मतलब आई की कर्म विभक्ति वाला सर्वनाम है. तो आप जाइए और जो बोलने वाला है, मतलब परिधि यहाँ पे बोल रही है, परिधि लड़की है तो वो अपने आप को मी बोल रही है. आप मी में जाइए, फेमिनाइन में देखिए तो वहां पे आपको मिलेगा हर. सो परिधि रिक्वेस्टेड शिवाली टू हेल्प हर. ठीक है, अब बात करते हैं शिवाली सेड टू पिया डोंट मेक नॉइस. अब यहां पे आप देखिए डोंट वाली एक पैटर्न मैंने ले ली है. डोंट वाली पैटर्न इसलिए ली है कि आपको क्लियर हो जाए कि एक जो रिक्वेस्ट थी वो पॉजिटिव थी और दूसरी जो है वो नेगेटिव है. आदेश है लेकिन मत कीजिए, डोंट मेक नॉइस, आवाज मत कीजिए. सो शिवाली ऑर्डर यहां पे हो सकता है. शिवाली ने पिया को ऑर्डर किया डोंट. मैंने आपको बोला था कि आप डोंट को हटा के नॉट टू लगाइएगा. सो यहां पे हम डोंट को हटा के लगाते हैं नॉट टू, और नॉट टू के साथ हम करते हैं नॉट टू मेक नॉइस. सो इस तरह से अलग अलग पैटर्न है. मैंने आपको एक 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 सेंटेंस सॉल्व करवाया है, लेकिन आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. सो बेस्ट ऑफ लक.